नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सहरी टाइम। तस्लीम साबरी के साथ एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं शारजा से अब्दुर्रहीम की अम्मी बोल रही हूं। जी फरमाइए। रमजान शरीफ की मुबारक हो बहुत बहुत आपको भी। 5 साल के बाद आज मेरी कॉल लगी आपसे, मुझे कुछ खुशी से कुछ सुधर रहा नहीं है जैसे आपसे बात करके। आप तो बहुत रवानी से बोल रही हैं। जी शारजा से बोल रही हूँ। हाँ नहीं, आप तो अच्छा बोल रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि आपकी पहली दफा कॉल मिली है। जी नहीं, मैं शारजा से पहली दफा बोल रही हूँ। अच्छा, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और क्यू टीवी को 5 साल की मुबारकबाद के लिए भी मैं बहुत ट्राई कर रही थी, नहीं मिली। आज मेरे शायद किस्मत अच्छे हुए जो कॉल मिल गई है। बड़ी मोहब्बत आप बात करने का। और मोहम्मद अकमल साहब को मेरा सलाम, और दूसरे और ये जो बैठे हुए नात खान उनसे बहुत उनकी नात आती है तो बहुत सुन के तो बहुत आंसू निकल जाते हैं। वो जो बोलते हैं सजाए हुए हैं आंखों में, वो बस सुधरता नहीं है, बस उनकी हुई नाच से तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों को इसका अजर दे इसको। और मैं अकमल मुफ्ती साहब से एक सवाल करना चाह रही थी कि क्यों यहाँ शारजा में ज्यादातर तो लोग रात को होशियार रहते हैं, सोते नहीं है यानी। अच्छा, तो उसमें नमाज तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए क्या सोना जरूरी है बोल रहे थे, तो उसमें अभी क्या करें? अभी यहाँ रात पूरी होशियार ऐसे ही होते हैं, बच्चे होशियार रहते हैं, सब आना जाना लगा रहता है। ठीक है, नमाज पढ़ सकते हैं तहज्जुद की? ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साना यूनुस बात कर रही हूँ सरगोधा से। जी फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि जब तरावियां पढ़ते हैं ना, जैसे रात की इशा की नमाज की तीन वीतर होते हैं और दो नफल होते हैं, कहते हैं तरावियों के बाद पढ़ने चाहिए, ज्यादा सवाब मिलता है। अच्छा ठीक है। और हेलो जी जी, और मेरे ये दूसरी फरमाइश ये है कि वेस्ट में क्यों नहीं आ। अच्छा ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मामा के पास 7 तोले जेवर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम अंकल, मैं अनम बात कर रही हूँ सऊदी अरब से। जी फरमाइए बहन। मुझे ये पूछना था कि मेरी मामा के पास 7.5 तोले जेवर है और मेरे पास इससे कम है, तो क्या जो ज़कात है वो दोनों को मिलाकर देंगे या सिर्फ मेरी मम्मा का जो जेवर है उस पे दी जाएगी? ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। है और दूसरा ये था कि भाई जो नात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी बहुत बहुत मुबारक हो। जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहां से बात कर रहे हैं? जी अकरम नियाजी बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी नियाजी साहब फरमाइए। सर जी आपका प्रोग्राम देखते हैं हम बहुत शौक से, और हमारे दोस्त है बाप भी लाहौर में, बहुत आपने हमें इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ गाइड किया, हमें बहुत कुछ पता चला। इसमें सवाल थे मेरे आपसे मुफ्ती साहब से। टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिएगा भाई प्लीज। लाइन आपकी ड्रॉप हो गई। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है। नात की तरफ हम चलते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है मुमताज मोहतरम सना।